और मेरा ये जूस है, सब तबर्रू के तौर पे ताकत दे रहा है, अभी और भी ज्यादा करने जाना है। अभी जाना मिशन में करमा पे हजरत कुमैल पे, और सुबह से निकले हूँ मैं 2 बजे से, कुछ खाया नहीं है। आगे आप लोग भी आइएगा तो सब खाते रहिए और ज्यादा करते रहिएगा। चलिए ये माशाल्लाह से ये 5वीं मछी है और इनके साथ ही साथ हमारी 4थी मछी है, पर इन्हीं ने अभी तक एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया है। आप लोग कोशिश करें, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखे। अब हम लोग मस्जिद कूफा आ गए हैं ज़ियारत के लिए, और यहाँ पर काफ़ी अमाल हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो जगह देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर हो सकता है, हो सकता है सारे मुकाम पे ना जा पाए। हम लोग एक ही जगह पर सारी ज़्यारतें करेंगे और उसके बाद से मौला अली का घर है यहाँ पर, वहाँ पर ज़्यारत करेंगे। हज़रत मिसन तम्मार का यहाँ पर ज़रिए है, वहाँ पर जाएँगे तो हो सकता है हम लोग इतना ज़्यारत करते करते फजर का टाइम भी हो जाए, तो यहीं पे नमाजें सारी अदा करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे आगे वीडियो में मिलते हैं। आपको एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी है, तो एक बार आप उसका भी मंजर देखिए। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, हर तरफ लोग दिख ही रहे हैं, आप ये देखिए हर तरफ लोग हैं यहाँ पर, तबर्रुक मिला है, सब कुछ है, और ये देखिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं मौला अली के घर पे। पहले ये था कि पहले सारी ज़्यारतें कर लेंगे, अमाल कर लेंगे, फिर जाएंगे, तो पर अभी जो है पहले घर को ज़्यारत चले जाएं, वरना घर जो है थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है रात में कभी कभी, तो इससे पहले हम लोग घर में जा रहे हैं। ये सामने आप देख रहे हैं मौला अली का घर है, ये वही घर है जब मौला अली हुकूमत कर रहे थे यहाँ कूफे में, तो इसी घर में रहते थे इमाम हुसैन, इमाम हसन, बीबी ज़ैनब, मौला अब्बास, सब यहीं रहते थे। आपको अंदर से भी इसका नज़ारा दिखाएंगे। अब जो आप देखेंगे ये सामने रेलिंग के बाहर जो आपको दिख रहा है खंडर जैसा, ये पहले कभी दारुल अमारा हुआ करता था कूफे का, इसमें उम्र सात जब था गवर्नर तो यहाँ से हुकूमत करता था। आज इसकी हालत आप देख के बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, और एक तरफ मौला अली का घर देख के बिल्कुल सही साबूत है। तो हम लोग मौला अली के घर में एंटर कर चुके हैं। होता क्या है, अरबईन के टाइम दो तरीके से घर को डिवाइड कर दिया जाता है, एक तरफ लेडीज़ का कर दिया जाता है जो पीछे से रास्ता रहता है, और फ्रंट से रास्ता आदमियों का रहता है। तो अभी जैसे हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग राइट साइड से जा रहे हैं एंट्री करते ही, और सामने आप जो देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर मौला अली को गुस्ल दिया गया था और यहीं पर कफन भी पहनाया गया था। ये सब जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप लेफ़्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर नमाजें अदा होती थी, और आपको भी एक छोटा सा कमरा दिखाएँगे जो इमाम हसन लोग का और इमाम हुसैन का कमरा था। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, इमाम हसन इमाम हुसैन के कमरे की। आप देख सकते हैं कितनी सादगी पसंद इमाम लोग थे जो एक छोटे से कमरे में रहते थे। ये आप सामने जो देख रहे हैं ये बीबी ज़ैनब के कमरे की तरफ का ये रास्ता है, जो कि अभी अरबईन की वजह से बंद है क्योंकि सिर्फ लेडीज़ की एंट्री है। अब हम लोग मस्जिद कूफा में एंटर कर रहे हैं, ये सामने ही आप जब देखेंगे एंटर करते ही लेफ़्ट साइड पे ही मकाम है जहाँ से सारे अमाल शुरू करे जाते हैं, दो दो करके हर जगह की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कुछ जगह पर 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है, तो आप ये समझ लीजिए टोटल कम से कम 39 to 40 रकात नमाज आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, क्योंकि कुछ जगह पर 2 रकात हैं और कुछ जगहों पर हमें 4 रकात नमाज पढ़नी है। ये मकाम है, इनके ऊपर सामने लिखा हुआ है, ये जो भी मकाम होते हैं उनके ऊपर ये सामने वो चीज़ लिखी रहती है। तो आप ये मस्जिद कूफा को देख रहे हैं, और अब जो है ये जो आप सामने खुदाम देख रहे हैं ये हम लोग को सारे अमाल कराएंगे, सारी दुआएं पढ़ाएंगे, पर भीड़ की वजह से जो कि अरबईन में होती ही है उसमें हम लोग एक जगह ही बैठ के ही सारे अमाल करते।
करते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर मलून इब्ने मुल्जिम ने इमाम अली के सर पर जहरीली तलवार मारी थी। ये वही मकाम है जहां पर वो नमाज पढ़ रहे थे। ये जो सामने आप एक दरवाज़े का दर देख रहे हैं इस पे बाब सदा लिखा हुआ है, ये दरवाज़ा वही है जो इमाम अली अपने घर से मस्जिद कूफा में एंटर करते थे, पर ये लेडीज़ की तरफ है तो ये आदमी लोग को नहीं दिखता है। ये जो आप सामने ज़री देख रहे हैं ये सफ़ीर इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अखील की ज़री है जिनको कूफे में शहीद कर दिया गया था, और इनके ठीक सीधे हाथ पर एक ज़री है वो है हज़रत मुख्तार सखफ़ी जिन्होंने इमाम हुसैन का करबला का कसास लिया था और वो भी यहीं कूफे में ही शहीद कर दिए गए थे, तो उनकी भी कब्र यहीं पर बिल्कुल मस्जिद कूफा के अंदर बनी हुई है। जैसे ही आप मुस्लिम बिन अखील के रोज़े से निकलेंगे एक सामने सहन पड़ेगा और ठीक उसके सामने ही हानिए बिन उरवा की कब्र है। इनके बारे में आपको बता दूं ये वही शख्स हैं जिन्होंने कूफे में जब मुस्लिम बिन अखील सफ़ीर इमाम हुसैन बन के आए थे तो इनको अपने घर में रुकवाया था। अस्सलाम वालेकुम, और आज हम लोग मस्जिद कूफा में हैं और जॉनी भाई जो कि पहली बार ज़ियारत करने आए हैं उन्होंने भी आज मस्जिद कूफा देखी, सारी ज़ियारतें करी, और हमें तो लग रहा है जॉनी भाई के कट्टा बन गया है, आज इतने अमाल करें। हम लोग मस्जिद सहला से अमाल करते चले आ रहे हैं, वहाँ पर 14 रकात पड़ी और यहाँ पर तकरीबन हम लोग ने 50 रकात पड़ी होगी, उसके आसपास ही है। और जॉन भाई के हमें लग रहा है वो जो नमाज से सजदे घटता है तभी निकल आया क्या, अब यही बताएंगे कि पहले से था कि आज था, और पर अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे जॉनी भाई कि कैसा रहा ये 50 रकात नमाज और यहाँ पर सारे रोज़े देखे और सारी ज़्यारतें भी करी, तो एक बार जॉनी भाई थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी आके, बाकी सारे रोज़ों की ज़्यारत करके भी बहुत एक अंदर से एक सुकून मिल रहा है। यहाँ पे आए मस्जिद कूफा में आने इतनी नमाज़ें पढ़ेंगे और इतनी बार क्या नाम है सजदे और उठना है तो थोड़ी थकान तो होगी, लेकिन एक सुकून अलग है यहाँ पे, क्या नाम है अंदर जाएंगे मस्जिद कूफा के अंदर जहाँ पे ज़रबत मौला अली का मकाम है वहाँ पर जाएंगे, उसको बैठेंगे देखेंगे उसको फील करेंगे कि उसके दरवाजे कैसे हैं, कि घर के अंदर की तरफ जा रहा है वो दरवाज़ा है कि घर का भी रास्ता उधर से है, उधर से इमाम हसन इमाम हुसैन आए, और सारी चीज़ें जब आप फील करेंगे तो आपको लगेगा कि जो है जहाँ पे कत्ल किया गया है वहाँ पे एकदम से घर में कैसे आवाज़ें गई होंगी सबकी, कि जो है मौला अली को ज़रबत लगाई गई है वो सब। बाकी क्या नाम है जनाब मुस्लिम का रोज़ा है यहाँ पर ज़री है वहाँ पर वहाँ की ज़्यारत करिए, और जनाब मुख्तार के उस पर हानी बिन अरवा उनके रोज़े पे क्या नाम है बहुत बहुत ही खूबसूरत है पूरी मस्जिद ही है, मस्जिद कूफा बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बड़ी भी है और जो है एक अलग ही यहाँ पे फील और क्या नाम है एक सुकून है यहाँ पे। बहुत खूब जॉनी भाई, और एक शख्स और हैं जिनको हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं इंटरव्यू लेने का पर वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो चले जाते हैं, पर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि इनका एक बार इंटरव्यू लिया जाए और ये जवाब कैसे देंगे आप लोग सुनना चाहेंगे तो उनको मैं दिखाता हूँ कौन वो शख्स है। ये वो शख्स हैं जिनका हम बता रहे थे आप लोग को बहुत टाइम से इंटरव्यू लेने के लिए, पर इनके माशाल्लाह से ये पाँचवीं मछी है और इनके साथ ही साथ हमारी चौथी मछी है, पर इन्होंने अभी तक एक बार इंटरव्यू नहीं दिया है। आप लोग कोशिश करें थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखें और आप इनसे कुछ सवालात अगर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि ये जवाब देंगे और इस बार हम लोग इनसे जवाब लेके ही रहेंगे। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये सब वही मकामात हैं जहाँ पर आपको दो या चार रकात नमाजें आकर पढ़नी होती हैं। भाई बहुत भूख लग रही थी तो चावल और एक पता नहीं क्या था दाल वो खाया है, चावल और आलू है, आलू जो भी है और मेरा जूस है अब तबर्रुक के तौर पे है, ताकत दे रहा है अभी और भी ज़्यादा करने जाना है, अभी जाना मीसो में तनमार पे हजरत कुमैल पे, और सुबह से निकले हूँ मैं 2 बजे से, कुछ खाया नहीं है। आगे आप लोग भी आइएगा तो सब खाते रहिए और ज़्यादा करते रहिएगा। चलिए, करवाने अल मुस्तफ़ा आ चुका है
मिसम तम्मार के रोजे पे। आपको मिसम तम्मार के बारे में बताते हैं, ये मौला अली के चाहने वालों में से थे और मौला अली ने इनको पहले ही बता दिया था कि आप किस तरीके से शहीद होंगे। आपको कूफे का गवर्नर आपकी ज़बान काट देगा, आपको खजूर के पेड़ पे लटका देगा और ये सिर्फ आपको होगा कि आप मौला अली के फजाइल पढ़ते रहते हैं। सारी ज्यारतें हो चुकी हैं और अब वापस आ रहे हैं और मस्जिद कूफा में जो है हमारी चप्पल कहीं मिसप्लेस हो गई या कोई ले कर चला गया कुछ पता नहीं, और नंगे पैर वापस आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए नंगे पैर बिल्कुल आ रहे हैं और बस अब अपने होटल पहुंचने वाले हैं। रात का बज गया है 1 भाई, तो पहुंच गए हैं होटल में। आज का दिन बस अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।